हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी यूनिट 10 है केमिस्ट्री की, एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि जो ग्रुप फर्स्ट है उनमें एल्कलीज मेटल उनको बोलते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप फर्स्ट या फिर एल्कलीज मेटल। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं, रिएक्टिविटी देखते हैं। और रिएक्टिविटी में आपको क्या देखना होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसके बेस पर हम रिएक्टिविटी बताते रहते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक। देखो बच्चों, रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल या कोई भी एलिमेंट, ओके, हम एलिमेंट मान के चलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जस्ट अपोजिट होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। दैट मींस ऑक्सीडेशन जिसमें होता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। दैट मींस उनमें क्या होंगे, रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक। और जिनमें रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैं टॉपिक ले रही हूँ रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक। दैट मींस कंडीशन क्या होगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन शो करेगा। सबसे फर्स्ट क्या, एक तो साइज क्या होना चाहिए, लार्जर। ठीक है, सेकेंड वन, क्योंकि हमने कहा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कौन करेगा, जिसका साइज क्या हो, लार्ज हो। दैट मींस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड नहीं होना चाहिए। अगर टाइटली होल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर पाएगा कोई भी एटम या एलिमेंट। ठीक है, तो लार्जर साइज होना चाहिए। सेकेंड, साइज लार्ज होने के साथ साथ जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो। नेक्स्ट, लास्ट सेल के अंदर या हम कहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एलिमेंट में वन हो तो वो फास्टली क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है या लूज हो जाता है। ठीक है, और जितना जल्दी लूज होगा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आएंगे और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हैविंग वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, अगर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें टाइम लगेगा ना, पहले वन रिलीज होगा देन फिर सेकेंड वाला रिलीज होगा, तो सेकेंड को रिलीज करने में डिफिकल्टी होगी थोड़ी सी। तो सेम एज इट इज आपके पास वन इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, वो वन इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, लूज। ओके, तो इन तीनों टर्म्स को देखते हुए आपको क्या बताना है कि जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे। ओके, तो देखो आपको ये तीनों चीजें ग्रुप फर्स्ट में दिख रही होंगी, क्योंकि आपको पता है ग्रुप फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले अरेंज है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर साइज क्या होने लग जाता है, डिक्रीज। दैट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड, और वो इजीली लूज नहीं होगा। और आपको पता है मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, लूज द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी लूज करेगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ओके,
तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो ये सबसे पहले है, लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका साइज क्या है, लार्जर है, फर्स्ट टर्म हमें दिख रही है। और जिनका साइज लार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड नहीं होता इजीली, इलेक्ट्रॉन वो क्या कर देता है, लूज। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको आप क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी उसको हमें कम देनी पड़ रही है, तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ग्रुप फर्स्ट की अदर्स ग्रुप के कंपेयर में। ठीक है, थर्ड वन, ग्रुप फर्स्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो ओनली वन ही होता है, तो ये इजीली क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। दैट मींस किसकी तरह बिहेव करेंगे, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कौन, ग्रुप फर्स्ट। ओके, आप देखो बच्चों आप ग्रुप फर्स्ट में एलिमेंट्स कौन से पढ़ते हो, लिथियम से लेके सीजियम तक, राइट, डाउन द ग्रुप जाते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, देन सीजियम आता है। तो अब आपको ये डिस्कस करना है कि ये स्ट्रॉन्ग तो रिड्यूसिंग एजेंट है, बट डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, वो आपको बताना। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन जो जल्दी रिलीज करेगा, या हम कहें लार्जर साइज जिसका जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन उतना ही जल्दी रिलीज करेगा या यूज करेगा, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक उतने ही ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो हम ये कहते हैं डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो सीजियम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि लिथियम के कंपेयर में सीजियम का साइज क्या है, ज्यादा। तो यहां पर आपके पास जो रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक आएगा कौन से स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्वस नहीं गैसियस स्टेट, क्योंकि गैसियस स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लिथियम क्या होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट इन द गैसियस स्टेट। देन उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो हम ये कह सकते हैं कि सीजियम की रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, इनके कंपेयर में कौन से स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर, क्लियर। अब सेकेंड टर्म क्या, इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट के अंदर क्या होता है, एक्वस स्टेट में ये कंफर्मेशन या हम कहें ये ऑर्डर नहीं होगा, चेंजेबल होगा। उसमें क्या होता है, जो ये लिथियम है ये क्या करता है, जंप कर जाता है उधर। ठीक है, इसका मतलब ऑर्डर आपके पास क्या आएगा, सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लिथियम। इसका मतलब लिथियम इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस स्टेट। ठीक है, या एक्वस सॉल्यूशन, स्टेट नहीं बोल सकते, सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट अगर हम गैसियस स्टेट देखें तो लिथियम क्या है, वीक है, यानी कि वीकेस्ट, या फिर हम कहें कि यहाँ पर रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक इसके कम है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन में इसका ज्यादा क्यों हो जाता है, तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हम एक चीज स्टडी करते हैं, क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वो मैंने 8th यूनिट के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा क्यों आ जाता है, उसका क्या रीजन होता है, तो रीजन ये होता है जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको आप ई नॉट से डिनोट करते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी मोर नेगेटिव आती है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। या फिर हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं और लोअर वैल्यू, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव में अगर वैल्यू जाती है तो हम कहते हैं बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, हायर हो रही है। ठीक है, अगर यही वैल्यू नेगेटिव में जाती
जाती है तो हम क्या कहते हैं, कम हो रही है, लोअर हो रही है, ठीक है। तो आप लोअर वैल्यू भी बोल सकते हो या हम कह सकते हैं मोर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होती है तो इसका मतलब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसीलिए जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है। अब देखो बच्चों, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है। वो फैक्टर्स क्या क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, आपको अच्छे से कवर भी करना है ये टॉपिक, और बहुत इजी भी है। ओके देखो बच्चों, अगर हम बात करें ई नॉट की जो वैल्यू होती है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विच डिपेंड्स अपॉन, किस किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है, फर्स्ट एक तो होती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आपको पता है सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है, क्या होती है सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैसियस के अंदर, यानी कि सॉलिड स्टेट डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, लिक्विड में बीच में नहीं होगी, तो वो क्या हो गई, सब्लिमेशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने कहा लिथियम है सॉलिड फॉर्म के अंदर है, और वो किसमें चेंज हो रहा है, गैसियस फॉर्म के अंदर। तो जब सॉलिड से गैस में चेंज होगा तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, क्यों, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे लिथियम के वो क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। तो हमें गैसियस में चेंज करना है, गैसियस में क्या होता है, बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो हमें उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, लिथियम को सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो एक तो इनोट की वैल्यूज पर डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे, सेकंड किस पर डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप सभी को पता है, ये भी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जैसे ये रिक्वायर्ड एनर्जी है सेम एज इट इज, ये भी रिक्वायर्ड एनर्जी है, बट कब, किसी भी एटम को आयन के अंदर चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, या हम कहें कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को आप क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ भी रिक्वायर्ड एनर्जी है, तो इस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, थर्ड वन अगर हम देखें तो वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, देखो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर हम कहें एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन अदर कंपाउंड या अदर सब्सटेंस, उन्हीं को आप क्या बोलते हो, हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो हाइड्रेशन में H2O का जुड़ना होता है, डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल का निकलना होता है। ठीक है, तो एक तरह से हम हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, वो प्रोसेस हो गई हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप लिथियम को क्या कर रहे हो, जैसे सॉलिड फॉर्म में उसको आप किस में ऐड कर रहे हो, एक्वस के अंदर, या हम कहें वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो जब वाटर के अंदर ऐड करोगे तो लिथियम का एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको एक्वस, यहाँ के वाटर के अंदर सॉल्यूबल जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसी एनर्जी को आप क्या बोलोगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिखोगे आप। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखो बच्चों, वाटर के अंदर अगर आप किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हो तो इजीली डिसॉल्व हो जाता है। वो डिसॉल्व कब होता है, क्योंकि वाटर जो है वो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर बॉन्डिंग है तो उस बॉन्डिंग को क्या करता है, ब्रेक,
जैसे ही वो ब्रेक करेगा आयंस बनेंगे और आयंस बनते ही वाटर उसको अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि वाटर के पास क्या है, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव है, अपोजिटिव चार्ज जो है उनको क्या कर लेगा, उन आयंस को अट्रैक्ट करके बॉन्डिंग बना लेगा। दैट मीन्स वो चीज क्या हो गया, डिसॉल्व आपको मिलेगी नहीं, गायब। जैसे हम शुगर ऐड करते हैं ठीक है वाटर के अंदर, तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों के बेस पे ये बताना है ई नोट की वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करते हैं, इन तीनों पर डिपेंड करते हैं ठीक है। तो अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की, तो चाहे लिथियम हो चाहे अदर एल्कलीस मेटल हो, उन सभी की क्या होती है, सेम ही होती है। तो ये फैक्टर इतना ज्यादा यहाँ पर अफेक्ट नहीं डालेगा। अच्छा, इसकी बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो लिथियम होता है और सीजियम होता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, इसका साइज क्या है, स्मॉल साइज है इसका, और सीजियम का क्या है, लार्जर साइज है, राइट। तो साइज जितना स्मॉल होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज नहीं करेगा, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या लिथियम में क्या होती है, हाई होती है ठीक है, और सीजियम में क्या होगी, लोअर। तो देखो हम लिथियम की बात कर रहे थे, तो लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी हाई होती है, वो क्यों होती है, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, वॉटर के अंदर लिथियम डाला, ओके, हमने अभी कहा साइज क्या है, स्मॉल। तो जितना स्मॉल साइज होता है वॉटर के अंदर, वो उतना ही जल्दी डिसॉल्व होगा, और जितना जल्दी डिसॉल्व होगा उतनी हाई अमाउंट में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है ठीक है। तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी यहाँ पर क्या है, ज्यादा। सेम चीज है, जैसे आप क्या कर रहे हो कि वन ग्लास आप वॉटर ले रहे हो, उसमें आपने वन टेबल स्पून शुगर डाली, दूसरा ग्लास हमने लिया, वन ग्लास ही वाटर लिया, उसमें हमने टू टेबल स्पून क्या डाली है, शुगर डाली है, तो अमाउंट ज्यादा हो गई ठीक है। हम यहाँ साइज को लेके कर रहे हैं, हम उसको ये मान सकते हैं कि साइज देख लेते हैं, तो क्या होगा कि जो वन टेबल स्पून लिया है आपने उसका साइज है कम ठीक है, और टू टेबल स्पून लिया उसका साइज क्या है, ज्यादा, क्योंकि हम अभी साइज ले रहे हैं नॉट अमाउंट, मान के चलो ये। तो क्या होगा, जिसका साइज स्मॉल है, यानी कि वन टेबल स्पून का साइज स्मॉल है, तो वो इजीली क्या हो जाएगी, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर, और जल्दी डिसॉल्व होगी ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, फास्टली डिसॉल्व होगा, तो उतनी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी ऑफ या एंथैल्पी ऑफ जो हाइड्रेशन है वो क्या होगी, हाई होगी ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी होती है, किसकी, लिथियम की ज्यादा होती है अदर एल्कलीज मेटल के कंपेयर में, इसीलिए जो ई नॉट की वैल्यू होती है इस लिथियम के लिए वो क्या आती है, मोर नेगेटिव आती है, और जितना नेगेटिव में आएगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, क्लियर है। तो बच्चों ये आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद हम रिएक्टिविटी देखेंगे कि अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, या वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, या फिर हाइड्रोजन के साथ, हैलोजन्स के साथ, या कार्बोनेट्स बने, बायकार्बोनेट्स बने, तो इन सभी में आपको ये देखना है कि इनकी रिएक्टिविटी कैसे होगी, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, क्यों होती है, वो हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं ओके। तो बच्चों अब सेकेंड जो पॉइंट में लेकर आई हूं यहां पर, वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यानी कि जो एल्कलीज मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं, और जो ऑक्साइड्स बनेंगे उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा ठीक है, तो वो हमें देखना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो जनरली किसकी फॉर्मेशन करता है, ऑक्साइड की, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो ये मेटल होते हैं ग्रुप फर्स्ट के, जो एल्कलीज मेटल है, वो क्या करते हैं, ऑक्साइड्स भी बनाते हैं,
सुपर ऑक्साइड्स भी बनाएंगे एंड पर ऑक्साइड्स की भी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है? सुपर ऑक्साइड्स एंड पर ऑक्साइड्स। अब सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड्स क्या होते हैं और ऑक्साइड्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, जो ऑक्साइड्स होते हैं, अगर मैं आपके पास फॉर्मूला उसका दूं, तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, वन ऑक्सीजन पर टू नेगेटिव चार्ज होता है, उनको आप क्या बोलते हो, ऑक्साइड्स, ठीक है? मेटल साथ में रहेगा, उसका मैं फॉर्मूला बाद में बताऊंगी आपको। सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो सुपर ऑक्साइड्स हैं उनमें ऑक्सीजन कितने होंगे, टू, और उन दोनों ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होगा, टू नेगेटिव। ओके, तो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं आपके ओ टू, टू नेगेटिव, राइट? इसका मतलब एक ऑक्सीजन पर माइनस वन चार्ज है। और अगर हम ये पर ऑक्साइड होता है, सॉरी ये होता है पर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स में एक ऑक्सीजन आपके पास है जिस पर एक ओनली हाफ चार्ज होता है, ठीक है? यानी कि जो टू ऑक्सीजन होंगे उन पर ओनली माइनस का वन चार्ज होगा, राइट? तो यहां पर एक ऑक्सीजन पर टू नेगेटिव है, यहां दो ऑक्सीजन पर टू नेगेटिव है, एंड यहां टू ऑक्सीजन पर ओनली वन नेगेटिव चार्ज है। तो इनको आप बोलते हो ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कौन ऑक्साइड बनाएगा, कौन सुपर ऑक्साइड बनाएगा, कौन पर ऑक्साइड बनाएगा, ये चीजें आपको डिस्कस करनी है, ठीक है? तो हम डिस्कस कर रहे हैं अब ये चीज। तो क्या है, देखो आपके पास मेटल कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। जिसका साइज स्मॉल होता है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? साइज जैसे जैसे लार्ज होता है फॉर्मेशन चेंज होती जाएगी। सोडियम किसकी फॉर्मेशन करता है, जनरली परऑक्साइड्स की, ठीक है? एंड ये दोनों, ये तीनों क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आपके पास फॉर्मूला आएगा इस मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, M2O, या हम इसको मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है? परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, M2O2, ये ध्यान रखना है आपको। एंड जो सुपर ऑक्साइड्स होंगे उनका जस्ट इससे अपोजिट है, यानी कि मेटल यहाँ दो है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर क्या होगा, मेटल एक होगा, ऑक्सीजन दो होगी। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया कि क्या, जो ये मेटल ऑक्साइड्स होंगे, कौन से मेटल, एल्कलीज मेटल, ठीक है? एल्कलीज मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे उनका जनरल फॉर्मूला आपके पास तीन है। अगर ऑक्साइड्स नॉर्मल जो ऑक्साइड्स होते हैं, मोनो ऑक्साइड्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, तो ये होगा परऑक्साइड देन सुपर ऑक्साइड, ठीक है? तो अगर हम रिएक्शन करें, जैसे मैंने कहा लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तो ये क्या बनाएगा, अभी भी फॉर्मूला बताया Li2O, देखो मेटल टू ऑक्सीजन वन, यहाँ मेटल टू है ऑक्सीजन वन है, तो क्या बना, लिथियम मोनो ऑक्साइड। नेक्स्ट अगर देखो रिएक्शन को बैलेंस कर देना, लिथियम टू है यहाँ टू कर दो, वन ऑक्सीजन है तो यहाँ हाफ कर दो, ओके? अब देखो नेक्स्ट वन सोडियम के साथ रिएक्शन देखते हैं। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्या बनाएगा, परऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड भी बनाता है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये ऑक्साइड तो बनाता ही नहीं, परऑक्साइड ही बनाता है, बट जनरली परऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, Na2O2, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहाँ टू लगा दो। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो अगर मैं पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम इनके साथ देखूं ऑक्सीजन की रिएक्शन कराऊं, तो क्या बनेगा आपके पास, दिस वन, फॉर्मूला पता है सुपर ऑक्साइड कैसे बनेगा, तो क्या बनेगा, KO2, इधर क्या बनेगा, RbO2, एंड इधर बनेगा Cesium O2, दैट मींस सुपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है? तो आपके पास ये ऑक्साइड्स बन रहे हैं जिसमें ये है मोनोऑक्साइड, दिस वन परऑक्साइड एंड दिस वन सुपर ऑक्साइड, क्लियर? अब ऑक्साइड्स की तो हमें फॉर्मेशन पता चल गई कि कैसे फॉर्म हो रहे हैं, बट अब इन ऑक्साइड्स का अगर हम नेचर देखेंगे, बेसिक होता है या एसिडिक होता है, तो उसमें आपको कई चीजें या एक दो पॉइंट याद रखने हैं, वो कौन कौन से वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले ये देख लो
कि जो लिथियम होता है वो ऑक्साइड क्यों बनाता है, ये सुपर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड क्यों बनाता है और ये सुपर ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखो बच्चों, जितना स्मॉल साइज होगा, लिथियम का साइज स्मॉल है और आपको पता है साइज जितना स्मॉल होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन ज्यादा है किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव फील्ड है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, टाइटली होल्ड कर लेगा, यानी कि ऑक्सीजन को टू इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को टाइटली होल्ड कर लेगा, अदर के साथ वो क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाने के लिए उसको छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, लिथियम ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा कि वो अदर के साथ बॉन्डिंग बना सके। इसीलिए क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो दोनों के दोनों अपनी बॉन्डिंग लिथियम के साथ बना लेता है, तो क्या होगा फिर, मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन। तो रीजन क्या आया, रीजन क्या है, स्मॉल साइज होने की वजह से पॉजिटिव फील्ड ज्यादा होता है, ऑक्सीजन को टाइटली होल्ड करके रखता है। ठीक है, अच्छा अब आप इससे नीचे जा रहे हो, सोडियम, तो सोडियम का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसका मतलब वहां पर जो पॉजिटिव फील्ड होगा वो थोड़ा कम होगा लिथियम के कंपेयर में, इसका मतलब वो ऑक्सीजन को इतना टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी तो सोडियम से सेटिस्फाइड हो जाएगी और एक वैलेंसी अदर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके वो क्या बना लेगा, परऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अब इससे नीचे आते हैं तो यहाँ तो देखो साइज और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव फील्ड बहुत ही वीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन को टाइटली होल्ड नहीं रखेगा, और टाइटली होल्ड नहीं रखने की वजह से जो ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन है वो अदर ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, कंबाइंड, और क्या बना लेता है, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, अगर आप ये बताओ कि इसमें ये ऑक्साइड बना रहा है और ये सुपर ऑक्साइड और ये पर ऑक्साइड, तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो ऑक्सीजन का साइज, अगर आप मोनोऑक्साइड से परऑक्साइड देन सुपर ऑक्साइड पे जाते हो तो ऑक्सीजन का साइज बढ़ता है। ठीक है, और लार्जर साइज को लार्जर केटायन ही क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो इन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाली हूँ कि जो ये मेटल ऑक्साइड्स बने हैं वो बेसिक नेचर के हैं या एसिडिक नेचर के हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि काफी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन चलता रहता है कि मैम हमें ये नहीं पता चलता कि ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक कब हैं और बेसिक नेचर के कब हैं। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, देखो आपको क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि इन ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक है या फिर एसिडिक है। तो देखो बच्चों, बेसिक नेचर का हमें कैसे पता चलेगा, अगर सेंट्रल एटम क्या हो, सेंट्रल जो एटम है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा सेंट्रल एटम उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, बेसिक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं अगर आप इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो और अगर ये बेस प्रोड्यूस करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं तो इसका मतलब नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर। ठीक है, और एसिडिक याद रखने की जरूरत नहीं, अगर एक याद रख लिया, क्योंकि इसका क्या होता है, रिवर्स, कैसे, सेंट्रल एटम क्या होगा, एसिडिक में इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, और मेटल जो ऑक्साइड है या फिर नॉन मेटल जो ऑक्साइड है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए, एसिड बनाए, तो इसका मतलब वो क्या होगा, आपके पास एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, तो बेसिक नेचर याद रख लो, एसिडिक याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जितनी ज्यादा होगी बेसिक नेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, बेस, बेस में आपको पता है कौन सा आयन होता है, OH आयन, अगर यहाँ OH आयन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो बेस है। ठीक है, इसका मतलब बेस बन रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक नेचर। क्लियर,
तो अब इन ऑक्साइड्स का देखना है हमें, जो ये ऑक्साइड्स बने, परऑक्साइड्स बने, सुपर ऑक्साइड्स बने, कहने का मतलब है जो एल्कलीज मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक या एसिडिक। तो हमें पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर हम इनकी बात करें तो क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के तो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, लूज, और इनकी वजह से चार्ज कौन सा गेन कर रहे हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इसका इतना तो हमें पता चल गया कि इनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे, बेसिक नेचर के। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये नेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर क्या देखना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी देखनी है। आपको पता है लिथियम का साइज है स्मॉल, सीजियम का साइज क्या है, लार्ज। तो यहाँ पर साइज स्मॉल होने की वजह से ये क्या होता है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, और ये क्या होता है, हायर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, या फिर हम कहें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जितनी ज्यादा, बेसिक नेचर भी उतना ही ज्यादा। तो हम ये कहेंगे डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं सारे, परऑक्साइड हो जी सुपर ऑक्साइड्स हो, ठीक है, तो जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, डाउन द ग्रुप आने पर उनका बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। क्लियर? तो ये था आपका ऑक्सीजन, या हम कहें कि जो एल्कलीज मेटल है उनमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी क्या थी, कैसे वेरिएशन हो रहा है। क्लियर? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पॉइंट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वॉटर। ओके, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वॉटर हमें देखना है, बहुत ही सिंपल है। वॉटर के साथ जब ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, एंड साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे कि लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज हो जाती है, H2 गैस रिलीज हो जाती है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर देना, यहाँ 2 कर देना, यहाँ 2 कर देना, जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगी यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। ये जो अपवर्ड एरो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, गैस को, कि गैस रिलीज हुई है। ठीक है, और एक डाउनवर्ड एरो भी होता है, 10th में बताया भी होगा आपके टीचर्स ने कि ये डाउनवर्ड जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। ठीक है, पीपीटी जो बनती है उनको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही सेम इनके साथ रिएक्शन करनी है, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आप यहाँ 2 लगा दोगे, बैलेंस करते चलना रिएक्शन को, सेम है जैसे ऊपर वाली की है, डिटो, हाइड्रोजन 2, 2, 4, यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 × 2, 4, ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पर 2, सोडियम 2, यहाँ भी 2। ठीक है, ये रिएक्शन आपको करनी है। अब आपको इसमें ये बताना है कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाते इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं और अगर रिएक्टिविटी देखें तो क्या होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब लिथियम क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। अब उसका क्या रीजन है, बहुत सिंपल सा, सेम क्या कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, मोर नेगेटिव, इसीलिए इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो वाटर के साथ कम होगी। ठीक है, क्लियर है? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो OH का साइज होता है, OH नेगेटिव आयन, दैट मींस हाइड्रोक्साइड आयन, उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। लिथियम का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। लार्जर और स्मॉल साइज के बीच में बॉन्डिंग क्या होती है, वीक, और इजीली क्या हो जाती है, ब्रेक। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, लेस। क्लियर? तो ये हो गया रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वॉटर। नेक्स्ट में स्टार्ट कर रही हूं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। देखो बच्चों, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे करेगा कोई भी जो मैटर, मतलब जो एल्कलीज मैटर है वो,
ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो किसकी फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एम एच, जिसमें मेटल पे क्या होगा पॉजिटिव और हाइड्रोजन पर क्या होगा नेगेटिव। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन पर हम पॉजिटिव चार्ज ही देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और उसको हम क्या लिखते हैं, एक प्रोटॉन, राइट, एच पॉजिटिव ही देखते आ रहे हैं। हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज कब होता है, बहुत ही सिंपल है, जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मेटल हमेशा क्या होता है, सॉरी नेगेटिव होगा क्योंकि मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मेटल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है इसलिए हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, और जब हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम उनको बोलते हैं हाइड्राइड्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्टिविटी बताते हैं हम, तो लिथियम से लेके और सीजियम तक ये सारे के सारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके और क्या बनाते हैं, यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड बनेगा, सोडियम हाइड्राइड भी बनेगा, पोटेशियम हाइड्राइड भी बनेगा। ठीक है, इस टाइप से बनते हुए चले जाएंगे, रुबिडियम भी है, सीजियम भी है, इनकी फॉर्मेशन हो गई, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। क्या करोगे, लिथियम की रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन के साथ, क्या बनेगा, लिथियम हाइड्राइड, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, यहाँ टू लगा दोगे, टू या फिर हाफ। ठीक है, सिंपल। तो इस टाइप से आपके पास ये जो आ गए हैं हाइड्राइड्स, इनकी आपको स्टेबिलिटी बतानी होती है, क्योंकि हम हमेशा देख रहे हैं रिएक्टिविटी वेरिएशंस देख रहे हैं, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखो बच्चों, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज। जब आप डाउन द ग्रुप आओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी। अब ये नहीं पता हमें कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, सपोज हमें नहीं पता, काफी बच्चों को पता है काफी बच्चों को नहीं पता कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है कि हमें पता नहीं है, बहुत सिंपल। देखो बच्चों, कोई भी आपके पास टू क्या है, एटम्स कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल, सपोज ये बनाया ए बी, तो इन दोनों के बीच में किसकी फॉर्मेशन हुई है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो जब किसी भी टू एटम के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उनके ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, या हम ये कहें कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है और वो क्या हो रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है एटम्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक, ये ब्रेक होगा तभी तो ए प्लस बी बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड, क्योंकि अपने आप तो ब्रेक होगा नहीं, बॉन्ड ओवरलैपिंग हो चुकी है ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तभी क्या होंगी, सेपरेट आउट होंगे ऑर्बिटल्स, और तभी बॉन्ड ब्रेक होगा और एटम्स सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कहने का मतलब क्या है कि बॉन्ड की मेकिंग, क्योंकि यहां बन रहा है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग, तो इनमें जो एनर्जी की टर्म आ रही है, यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज, और यहां क्या है, रिक्वायर्ड, तो उसी एनर्जी को आप क्या बोलोगे, लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी कम होने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो लैटिस एंथैल्पी कम क्यों हो रही है, उसका क्या रीजन है, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, सीजियम का साइज क्या होता है, लार्ज, और हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, अब मैंने कहा इसका साइज तो है लार्ज और इसका साइज है स्मॉल, हाइड्रोजन का बहुत स्मॉल है इसके कंपेयर में, दिस वन। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये सीजियम है, तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो भी क्या हो गई, वीक, क्योंकि एक तो लार्ज है एक स्मॉल है, तो ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, मिनिमम आप कहोगे ऑर्बिट ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो क्या बनेगा, वीक बनेगा, और बॉन्ड वीक होने की वजह से इजीली बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यहां से।
तो बॉन्ड ब्रेक के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है? कम। क्यों? क्योंकि बॉन्ड क्या है? वीक। और वीक जब बॉन्ड होता है तो एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी, इसी वजह से उस एनर्जी को ही आप क्या बोल रहे हो? लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी क्या है? कम है। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम, क्योंकि स्टेबल तो है ही नहीं, थोड़ा सा हीट किया और ये क्या हो गए? एटम सेपरेट आउट हो गए, इसीलिए डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है, इन हाइड्राइड्स की क्या होगी? स्टेबिलिटी कम होगी या डिक्रीज होगी। क्लियर? तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स आपको करा दिए, इनके जो लेफ्ट टॉपिक बचते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको करा दूंगी। ओके, तो अब तक जितना भी कराया है बच्चों अच्छे से आपको समझ आया होगा, और मैं ये मानती भी हूं कि आपने ये चीज अच्छे से पढ़ भी ली है और अच्छे से समझ भी ली है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ में। टेक केयर।